अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे अल्लाह के करम और फजल से। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता। तो भाई पिछले व्लॉग मैंने आपको दिखाया अहमद राजो दरगाह का, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सपोर्ट किया, आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। चीटिंग चीटिंग। आज हम एक और दरगाह पे जा रहे हैं, नाम उसका मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, थंबनेल में भी आप देख सकते हैं लेकिन दरगाह का नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। इंशाल्लाह ताला वहां पहुंचेंगे, आपको मैं सिखा चल बताऊंगा। और इतना सिर्फ आपको बता देता हूं कि मैं कराची से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर जा रहा हूं इस दरगाह के लिए। यू सीरियस? तो अभी हम लोग कराची में ही है माशाल्लाह, और कराची से अपना व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। अपनी गाड़ी जो है गोल्डन ईगल नहीं लेके जाएंगे, आज हम जाएंगे अपनी कलंदरी कश्ती में। तो इंशाल्लाह ताला ये व्लॉग जो है आपको कलंदरी कश्ती में मिलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। देख सकते हैं ये कल जो है लाल भाई ने इसको बिल्कुल रेडी करके साफ करके जो है अंदर खड़ा कर दिया था। और ये रही अपनी गोल्डन ईगल, गोल्डन ईगल अपनी यहाँ पर खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो भाई आपके भाई ने जो है सर्दी में शावर ले लिया है और सर्दी काफी थी, अभी माशाल्लाह जो है कपड़े बदली करते हैं। तो भाई आपके भाई ने कपड़े शपड़े पहन लिए हैं, अभी देखो आपका भाई बर्गर लगा रहा है, अभी मैं आपको दिखा दूं माशाल्लाह, 1 2 3 गो। तो भाई आपका कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और अभी चलते हैं इंशाल्लाह ताला गाड़ी में बैठते हैं, फिर आगे रास्ते में जो भी व्यू होंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो भाई प्रोग्राम जो है बढ़ गया, मसला ये हो गया कि जो है भाई मेरे को ये चप्पल बहुत वजनी लग रही है, इसका वजन काफी ज्यादा है। तो आपको पता है यार आपके भाई की इस टांग में जो राड लगी हुई है तो इतना वजन झेल नहीं सकता, तो ऑलरेडी जो है अभी मैं तो इसको चेंज करना चाह रहा हूँ यार। बाबा शूज पहनो या ये शूज? शूज चलो यार, शूज ही पहनते हैं बस। जूने क्या पहनना है भाई? शूज। चल ठीक है भाई, शूज पहनते हैं। साई का इंतजार है, अभी साई आए तो निकले गाड़ी में। और साई साई और पीरो मुर्शिद वो भी आ रहे हैं के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो अभी जो है मैंने चप्पल जो है वापस कर दी, मैंने आपको बताया, तो अभी मैंने ये बूट पहन लिए, कैसे लग रहे हैं आप मुझे लाजमी बताएं। थोड़े मेले हैं लेकिन सही है बट। तो अभी तैयार है, लाल भाई जो गाड़ी में बैठे हैं, खोल रहा हूँ, लाल भाई गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो गाड़ी घुमा रहे हैं, अभी निकलते हैं माशाल्लाह। गाड़ी हमारी अभी जा रही है, देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी लग रही है हमारी कलंदरी कश्ती आपको कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा। दरवाजा बंद करते हैं, बिस्मिल्लाह, ये यहाँ पे लगाया और दूसरा कुंडा ये यहाँ पर आ गया, ये थोड़ा सा गैप होता है आने जाने के लिए। पूरी पलटन हमारी जो बैठ चुकी है गाड़ी में माशाल्लाह, अभी रिक्शा भी बैठ चुके हैं, तो हम भी बैठते हैं आराम से इंशाल्लाह ताला और निकलते हैं। ये जो लाल भाई ने जो पेटी लगाई हुई है ना, ये हमेशा मेरे सर में लगती है क्योंकि मेरा कद जो है माशाल्लाह थोड़ा ऊंचा है। लाल भाई आज भी लग गई। अच्छा, तो नदीम भाई भी हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं माशाल्लाह। नदीम भाई जबरदस्त और बेस्ट ऑफ लक। गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि जो हमारे डाडा अहमद जो हैं वो माशाल्लाह थोड़े जो है ना तैयारी करने में सुस्त होते हैं, तो अभी सिर्फ उनका ही इंतज़ार है। तो मैंने और जूने ने जो बूट पहने हुए मैचिंग कमेंट में बताएं कि किसके बूट अच्छे हैं माशाल्लाह। तो भाई लाजमी बताएगा किसके अच्छे हैं, देखो। Yeah. अहमद भाई तो अभी तक नहीं आए, तो तब तक मैंने सोचा क्यों ना आपको जो है हमारी कलंदरी कश्ती का बाहर से तो आपको रिव्यू दिया था मैंने, अंदर से क्यों ना थोड़ी। तो अंदर से कुछ इस तरह से हमारी जो है कलंदरी कश्ती दिखाई देती है, आप देखिए अंदर से देखो, आसमानी माहौल है माशाल्लाह। और जुने आप तो ऑटो यार, आपकी थोड़ी रिव्यू बना रहा हूँ, आपकी थोड़ी वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये देखो ये यहाँ से देखो पंखे वगैरह लगे, कितने हमारे आयु में पंखे लगे हुए हैं, 2 2 4 4 5 और 6 6 और 7 और ये 8 पंखे लगे हुए हैं। और ये पीछे सिस्टम लगा हुआ है माशाल्लाह, आप देख सकते हैं ये सिस्टम यहाँ लगाया हुआ है, तो स्पेस के साथ माशाल्लाह बैकग्राउंड पीछे का कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, देखो आपके सामने बैठा हूँ,
कितना कंफर्टेबल हो के। समुद्री कश्ती हमारी जो है ना सफ़र के लिए बहुत आरामदेह, कहीं भी जाते हैं माशाल्लाह इसी में ही जाते हैं। गर्मियों का टाइम होता है तो उसको हम अपनी गोल्डन ईगल को यूज़ करते हैं, क्योंकि पता है गर्मी में टाइम पे सर इसकी एसी की ज़रूरत होती है, तो हमें एसी की ज़रूरत होती है। कार में है, इसमें नहीं है, इसमें हमने 8 पंखे लगाए हुए हैं। जो हमारे दादा अहमद पहुँच चुके भाई इतनी देर के बाद। दादा कितने में को आप सिर्फ बैठे हैं? हाँ तो नदीम भाई बैठो बस। तो भाई इस दुआ के साथ अपने जो है सफर का आगाज करते हैं, अब निकलते हैं। अभी जो हमारे को सफर में ज्वाइन किया हुआ है फर्स्ट में नदीम भाई चुने, और बाबा ने भी हमारे को ज्वाइन किया हुआ है दादा अहमद, उन्होंने भी बहुत देर से हमें ज्वाइन किया हुआ है। ये हमारे साईं ने भी ज्वाइन किया हुआ है माशाल्लाह। मदद हमेशा की तरह कराची के शहर से आगे आपको अच्छे अच्छे व्यू देंगे। ये देखें कुछ ऐसा माहौल है हमारे घर से बाहर निकलने का। स्टील डाउन पे यहाँ पर गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यार गाड़ी घर पे इस्तेमाल होती है। अभी इंशाल्लाह ताला फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी में और निकलते हैं। अरे सारे नौजवान हमारे बिल्कुल तैयार, बिल्कुल रेडी है, तो अभी भाई जान ये फ्यूल डाल रहे हैं गाड़ी में और देखते हैं कितने का डलता है माशाल्लाह, कितने का डले फिर आगे निकलते हैं माशाल्लाह। हमारी जो पलटन है मेले के लिए बेताब है, सारी अंदर देखो बैठी हुई है, यहाँ पर देखो ये सारे इतनी देर उतनी खैर निकलते हैं आगे और इंशाल्लाह ताला अच्छे व्यू देंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो को लाइक और शेयर आज के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुँच सके। फूल जो है गाड़ी में हमने डलवा लिया, अभी जा रहे हैं गुलशन हदीस, क्योंकि अहमद भाई के पास जैकेट नहीं है। जैकेट जो है पिछले साल का वो तो ख़राब हो गया था, क्योंकि लेदर का जैकेट था, उसके ऊपर जो है जिस तरह बकरे के ऊपर खाल उतारी जाती है इस तरह उसके ऊपर खाल उतर गई, तो अभी अहमद भाई को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने कहा क्यों ना कि उसको अपडेट कर दें। चलो चलते हैं अहमद भाई को कोई अच्छा सा जैकेट दिलवाते हैं। अहमद भाई जैकेट जाइए ना भाई। हाँ भाई जैकेट तो इंशाल्लाह ताला जैकेट दिलवा दें।
आपको हमने अपनी जो है सिंध की सकाफत कुछ भी जो है वो हमने दिखाई। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तोबा अल्लाह तोबा। तो अभी मैं यहाँ बाहर आया हूँ, गाड़ी हमारी यहाँ पर खड़ी है, साईं के लिए परेशान है। साईं पता नहीं कहाँ चला गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो जैसे ही साईं आता है तो वापस हम आपको सामने आप देख रहे हैं मार्केट उसमें लेके जाते हैं इंशाल्लाह ताला। और गाड़ी फिलहाल तो हमारी वो खड़ी हुई है और साईं जो है पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये देखे साईं आ गए। कंट्रोल। तो भाई मेले में इंटर होते ही हमें देखने में आया हलवा। मुझे बवासीर है। मैं भी शौकीन हूँ, साईं भी शौकीन है और दादा अहमद सारे हम लोग जो है हलवे का शौकीन है। और यहाँ पर देसी घी में हलवा बनाया जाता है और इस मेले में लाया जाता है तो काफ़ी हमें अच्छा दिखा। हमने सोचा कि उन्हें ट्राई किया जाए। सारे खड़े हुए इंशाल्लाह, सारे के मुँह में पानी आ गया सारों के। तो अभी इंशाल्लाह ताला आप भी देख रहे हैं तो आपके मुँह में पानी आए तो लाजमी मेले में आएँ और खाएँ। मेले की बाज़ार आप देख रहे हैं माशाला कितनी खूबसूरत है और हलवे का कलर देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त भाई जी। तो भाई काफ़ी सारा आपको जो मैंने मेला दिखाया अभी काफ़ी थक चुके हैं हम लोग। तो अभी यहाँ पर आए हैं होटल पे खाना खाते हैं और खाने में क्या है हमारे पास वो भी आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास सलाद और सलाद आई है स्टार्टर के लिए। ये देखें यहाँ भी सलाद है, वहाँ भी सलाद है और यहाँ भी सलाद है। तो स्टार्टर में सलाद है वो सामने। ये भी खाना हमारा आ रहा है माशाल्लाह। अभी हम आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। फर्स्ट में हमारे पास दाल माश आ गई है, कढ़ाई आ गई है, यहाँ पर दाल माश है, वहाँ पर कढ़ाई है, वहाँ पर सलाद है, रोटी है। तो अभी खाना है तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम लोग खाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों में वीडियो को लाजमी शेयर करें। तो दुआ में याद रखिएगा, पूरी पलटन को हमारी दुआएं दीजिए, हमारी पार्टी है इसको दुआएं दीजिए ताकि अपने घर पहुंच जाए इंशाल्लाह ताला। और घर पहुंच के फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक नई वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।